हेलो डियर स्टूडेंट, नाम तो आप जानते होंगे। चलिए हम काम करते हैं बेटा। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं पर्सनली दो फील्ड पे फोकस करूंगा। एक तो आपका पीजीटी है और दूसरा है बेटा नीट। ठीक है, तो अभी तो मेन फोकस आपका पीजीटी एग्जाम है जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाली है। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दी है बेटा। चलिए, तो जैसे कि थंबनेल में आपको मैंने बताया कि सीजी पीजीटी बायोलॉजी का ऑनलाइन लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल सिलेबस और पैटर्न की बात करेंगे जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हिंदी मीडियम में सिलेबस को लॉन्च करती है या फिर आपको प्रोवाइड करती है। उसी को मैंने बहुत अच्छे वे में पीपीटी में बना करके लाया हूं ताकि आप एक एक चीजों को सुने ध्यान से और जो भी सिलेबस है उसमें देखें कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो छत्तीसगढ़ में हमारा जो पीजीटी का एग्जाम होगा, ठीक है, सीजी पीजीटी का एग्जाम जो होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, उसके विटेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डिस्कस करना है बेटा, हमारा मेन एग्जाम क्या है, आपका पीजीटी बायोलॉजी है। इसमें हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस का। ठीक है, सिलेबस हम बात करेंगे बेटा हिंदी में क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो हिंदी में लॉन्च करता है, तो ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पूरे कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस होगा, किससे कितना नंबर आने वाला है, उनमें से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बायोलॉजी, क्योंकि भाई आपको पता है कि आउट ऑफ 150 मार्क्स जो 150 नंबर के जो एग्जाम होते हैं बेटा, उसमें 100 मार्क्स ओनली फ्रॉम बायोलॉजी। ठीक है, सिर्फ कहां से आता है, बायोलॉजी से आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और 30 मार्क्स 30 नंबर आपको मिलते हैं कहां से, पैडागॉजी। ठीक है, पैडागॉजी से मिलता है और उसके बाद जो रिमेनिंग 20 मार्क्स होते हैं वो अदर सब्जेक्ट से मिलते हैं, पांच पांच नंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो किस तरह है, तो इस पेज में देखिए आपको एक एक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये मैंने बेटा ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है, व्याख्याता, मतलब हम बात करें पीजीटी का। ठीक है, या फिर आप बोलोगे वर्ग एक एग्जाम की बात कर रहा हूं जिसमें बायोलॉजी के लिए जो परीक्षा होती है, एग्जाम होती है, उसके टोटल मार्क्स होते हैं बेटा 150 और 150 में 35 मार्क्स का आता है जूलॉजी, 35 मार्क्स का आता है आपका बॉटनी और बायोटेक, है ना, जैव रसायन एवं जैव तकनीकी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आता है आपका 30 मार्क्स का। अब बोलोगे सर ये तो बहुत अलग अलग है, ऐसा नहीं है। जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें टोटल 38 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये उन्हीं 38 चैप्टर के बारे में बात कर रहा है, उसके अलावा और कोई भी दूसरे टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा, बस इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर है, पूरे चीजों को देखो। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है हमारे सुदेश सर बायोलॉजी के चैनल पे, वहां पे पीजीडी के लाइन टू लाइन वीडियोज मैं प्रोवाइड करूंगा जिसमें 35 मार्क्स का जंतु विज्ञान मतलब कि जूलॉजी, 35 मार्क्स का वनस्पति विज्ञान दैट मीन्स बॉटनी, बायोटेक 30 मार्क्स का, ये तो कवर करूंगा। साथ में आपका 30 मार्क्स का मैं ये शिक्षण शास्त्र, ठीक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षणिक अभिवृत्ति, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये बहुत माइनर है बेटा, इसको आप तब देखना जब आपके 130 मार्क्स यदि कंप्लीट हो जाते हैं, आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तब इस 20 मार्क्स की तरफ आना। और इन 20 मार्क्स में से सबसे आसान हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पहला हिंदी है बेटा और दूसरा है कंप्यूटर, इन दोनों को पढ़ा जा सकता है। इसको अवॉइड कीजिएगा, सामान्य ज्ञान को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि 10 नंबर का है और आप इसको पढ़ेंगे आपका जिंदगी गुजर जाएगा, बट ये चीजें कवर नहीं हो पाएगी, इसलिए बेहतर है स्ट्रेटेजी बनाइए। हमको यार इतने नंबर नहीं लाना है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए नियर 100, 100 नंबर से ज्यादा चाहिए नहीं, नियर 100। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं 80 नंबर में तो टॉप 20 में आ जाएंगे आप। ठीक है,
80 मार्क्स में आप टॉप 20 क्रैक कर देंगे और आप सेफ हैं 70 से 80 मार्क्स में। ठीक है, देख लो पहले जनरल कैटेगरी, उसके बाद आता है ओबीसी, उसके बाद आएगा आपका एससी, उसके बाद आएगा आपका एसटी। यहाँ पे आपको नंबर लेके आना है नियर 100। ओबीसी में आपको देखो 65 तक भी जाता है, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 54 मार्क्स में भी ओबीसी में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं ज्यादा नंबर लेके चलता हूँ 70 से लेकर के 80 मार्क्स फॉर ओबीसी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए 10-10 मार्क्स का वो कर दो आप, तो 55 से लेकर के 70 मार्क्स तक आप सेफ है और ऊपर लाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। एसटी कैटेगरी में रेंज हम नहीं ले सकते, बट 40 से लेकर के 70 में आप बहुत ज्यादा सेफ है। 40 नंबर थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, मोर देन 50। देखो एसटी कैटेगरी के लिए मैं तो कहूंगा कि आप ले आओ मोर देन 50 मार्क्स आप ले आओ, तो मैं ये मान के चलूंगा कि बेटा आप सेफ है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको कवर करना है। याद रखना सबसे पहले बायो, इस 150 मार्क्स में पहले बायो 100 मार्क्स को जितना बेहतर तरीके से कर सको करो, उसके बाद आप टच करना किसको 30 मार्क्स ऑफ पेडागोजी, और उसके बाद आपको टच करना है सबसे इजी तो हिंदी, मेरे ख्याल से आसान है तो हिंदी को यहां से आप स्टडी करेंगे, और हिंदी के बाद में कंप्यूटर देखना। यदि कंप्यूटर हो गया तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लेना, क्योंकि सामान्य ज्ञान 5 नंबर का है, ये सब कुछ दिया है इसमें, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान दिया है, इंडिया का दिया हुआ है, इकोनॉमी दिया है, पॉलिटी दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, तो ये पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, ये तो सीजीपीएससी की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, चलिए अब एक एक सब्जेक्ट को डिटेल करते हैं बेटा। ये 100 मार्क्स की जो बायोलॉजी है उसका सिलेबस कुछ इस तरह से डिटेल में है। ठीक है, बायो में अब यहां पे सेपरेट नहीं है, इसमें बॉटनी, जूलॉजी और आपका बायोटेक एक साथ है बेटा। जैसे कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 में जीव जगत में विविधता, मतलब कि लिविंग डाइवर्सिटी जो है, सजीव जगत हो गया, जैविक वर्गीकरण हो गई, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एल्गी हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमल, ये 5 किंगडम के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद में एनिमल और प्लांट्स का जो शारीरिक संगठन है, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, जिसमें प्लांट में आ जाएगा बेटा पुष्पी पादपों की आकार की और रूपांतरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मार्फोलॉजी हो गई और एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, पुष्पी पादपों की शारीरिकी, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये चैप्टर आपको मिल जाएगा 7th नंबर चैप्टर में, कहाँ क्लास 11th में। इसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ओके, उसके बाद जो यूनिवर्सल चैप्टर है आपको पता है बेटा कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई, मतलब कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आपको पढ़ना है, कोशिका की संरचना क्या है, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, कोशिका चक्र कैसा है और कोशिका विभाजन कैसा है, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। ठीक है, ये जो चैप्टर है आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कट ऑफ को कम करने के लिए और टिपिकल क्वेश्चन देने के लिए जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वहां से क्वेश्चन आती है बेटा। ठीक है, चलो पादप कारिकी जो है उसमें जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है ना, पादपों में परिवहन हो गया, खनिज पोषण हो गए, कुछ पौधों में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक अलग चैप्टर है, खनिज पोषण और परिवहन एक सिंगल चैप्टर में आता है, पादपों में श्वसन ये चैप्टर है बेटा, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स का जो कि क्लास 11th में मिल जाएगा, पादप वृद्धि एंड विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है ये। ठीक है, ये जितना भी टॉपिक आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये क्लास 11th के चैप्टर के नाम है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक छोटा सा पढ़े और कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपको कवर करना पड़ेगा। मानव शारीरिकी, ठीक है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे, सबसे पहला चैप्टर है बेटा आपका पाचन और अवशोषण, उसके बाद में आपका रेस्पिरेशन एंड गैसों का एक्सचेंज, देखो ये सेम दिया हुआ है बेटा, रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये एनिमल फिजियोलॉजी के सेकेंड चैप्टर में आता है, डाइजेशन जो है वो फर्स्ट चैप्टर में आता है, शरीर द्रव तथा परिसंचरण ये आपका बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन में आता है, उत्सर्जी पदार्थ एवं उसका निष्कासन ये आता है बेटा एलिमेंट्री प्रोडक्ट एंड देयर
एक्सक्रीशन, इसमें आ जाएगा प्रचलन और गति, इनमें हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिकीय नियंत्रण, इसमें हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम और समन्वय, ठीक है। एक है रासायनिक समन्वय, इसमें पढ़ेंगे बेटा एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हिंदी जो लिखा है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते तो ज्यादा आसान लगता है ये, बट कोई बात नहीं, इसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कवर करेंगे। अभी जो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो हिंदी वाला है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं अलग से इंग्लिश मीडियम का सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये हो गए बेटा पांच अलग अलग टॉपिक, ये मत देखो इसमें ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं, छुपे हुए हैं चैप्टर्स मान के चलो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, जीवों में जनन, जनन जीवों में जनन, ठीक है, दो बार लिखा हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम प्लांट देखेंगे और प्लांट के बाद एनिमल। ये देखो प्लांट में कायिक प्रजनन, ठीक है, कायिक क्या, वर्षी प्रजनन हो गया, कृत्रिम कायिक प्रजनन हो गया, सूक्ष्म प्रसारण की तकनीक हो गई, अलैंगिक जनन के लाभ हो गए, ठीक है, निम्न वर्गीय पौधों में लैंगिक प्रजनन हो गया, आवृत्त बीजी में लैंगिक जनन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनन की अन्य विशिष्ट विधियां और निषेचन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्लांट में देखना है, पुष्पी पादपों मतलब कि जो हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें हमको देखना है बेटा आवृत्त बीजियों में लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, ठीक है। उसके बाद में नर युग्मकोद्भिद का विकास मतलब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है, गुरु बीजाणु जनन, मादा युग्मकोद्भिद एवं जनन, या फिर भ्रूण कोष के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, उनके परिवर्धन तक, स्वपरागन, परपरागन, अनिषेक जन्यता एवं तुलनात्मक अयोग्यता के बारे में भी स्टडी करना है, और अनिषेक फलन की स्टडी करनी है, ठीक है। कई चीजें तो मुझे हिंदी में समझ में ही नहीं आता है कि वो टॉपिक कौन सा बोल रहा है, बट इंग्लिश में हम जब देखेंगे तो चीजें जो है वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में जब हम लेक्चर लॉन्च करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों फ्रंट पेज में रहेगा, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ये तो हो गई प्लांट्स की, अब एनिमल में तो मानव जनन है ना भाई, मनुष्य में प्रजनन हो गया, नर जनन तंत्र हो गई, युग्म जनन हो गया, युग्मक जनन हो गया, उसके महत्व क्या होते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, संगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और वयस्क में क्या क्या वृद्धि होती है इनके बारे में हमको डिटेल जानना है। ये पूरा पेज किसके बारे में बता रहा है तो आप बोलना रिप्रोडक्शन के बारे में कवर किया है। उसके बाद में बायोलॉजी में आपका आ जाएगा जनन स्वास्थ्य, इसको बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या कहते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। जनन स्वास्थ्य की समस्या इंडिया में क्या क्या है, क्या क्या कार्य नीतियां हैं, हमारे गवर्नमेंट ने जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्कीम बनाया है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल है, जनसंख्या वृद्धि, गर्भ निरोधक एवं जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास के बारे में, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, लैंगिक रूप से संचारित होने वाले रोग और बाध्यता इनफर्टिलिटी, ठीक है। ये जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है ना बेटा ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी के चैप्टर्स के नाम है, और ये जनन स्वास्थ्य में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ये पूरे टॉपिक है जिसको मैं नीट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है बेटा वंशागतिकी, ठीक है, यहाँ एक टॉपिक आ जाएगा वंशागतिकी एंड विविधता के सिद्धांत, मतलब कि एक तो जेनेटिक्स हो गया और एक आपका इवोल्यूशन वाले टॉपिक हो गए, ठीक है। तो विभिन्नता के प्रकार क्या क्या हैं, अनुवांशिक विभिन्नता के प्रकार क्या होते हैं, मेंडेलियन की वंशगति के नियम क्या होते हैं, मेंडल के सफलता के कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था जिसमें बिल्कुल भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं थी, उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, ऐसे बहुत सारे रीजन आपको देखने को मिलेगा। एक जीन की वंशगति की क्या होती है, दो जीन की वंशगति क्या है ना, सिंगल जीन फिर डबल जीन, अनुवांशिकता के अन्य पद्धतियां जो कि मेंडलवाद के अपवाद हैं इनको पढ़ेंगे, चूहे में शारीरिक रंग की वंशगतिकी कैसे होती है, अनुवांशिकी के लिए गुणसूत्री सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, जीन्स गुणसूत्र में समांतरता के प्रमाण बताने हैं बेटा, सट्टन एंड बावेरी के कॉन्सेप्ट बताने हैं, जीनोम क्या होता है, जीन क्या होता है, जीन मैप क्या होती है, सहलग्नता लिंकेज क्या होता है, लिंकेज मैपिंग क्या होती है, गुणसूत्र लिंग निर्धारण किस तरह से होता है, तीन तरीके से लिंग निर्धारण मतलब सेक्स डिटरमिनेशन होती है इसको हम देखेंगे, पौधों में किस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो देखेंगे, म्यूटेशन जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं, इन चीजों को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे।
ठीक है, मानव में अनुवांशिक अनियमितताएं, विकार, क्या क्या डिजीज होती है, कायिक गुणसूत्र में उन परिवर्तन किस तरह से होता है, अनुवांशिक विकृतियां क्या है, वंशावली विश्लेषण क्या होती है, इन सभी चीजों को लाइन बाय लाइन हम कवर करेंगे। ठीक है, और भाई जेनेटिक्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जेनेटिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंक्लूडिंग मॉलिकुलर बेसिस, यहाँ पे जेनेटिक्स भी है और मॉलिकुलर बेसिस के कुछ टॉपिक भी है। ठीक है, उसके बाद में है बेटा तुम्हारा वंशागति एवं आणविक आभार, यहां पे आ जाएगा मॉलिकुलर बेसिस, अनुवांशिक पदार्थ की खोज, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उनकी खोज तीन सिद्धांतों पे हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक रिफीत का, उसके बाद तुम्हारा आया आइवरी मैक्लाइड इन मैकार्टी, और उसके बाद आया था हार्शेन चेस, इसके बारे में हमको पढ़ना है। बहुलीकरण क्या होता है, चार गांव का नियम क्या है, डीएनए पैकेजिंग क्या होती है, डीएनए का महत्व क्या है, ठीक है, आरएनए संसार, आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, एडॉप्टर अणु, जीन अभिव्यक्ति क्या होती है बेटा, जीन नियमन क्या है, विधायिका जीन क्या होती है, ऑन्कोजीन्स, ओपेरॉन अवधारणा, ये ओपेरॉन अवधारणा बहुत बेस्ट है, यहां में दो अवधारणा हमको पढ़ना है, एक है लेक ओपेरॉन मॉडल और एक हमको पढ़ना है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन मॉडल, ये दिया भी है। ओपेरॉन की क्रियाविधि केंद्र की अर्थात यूकैरियोट्स में जीन पढ़ना है, अभिव्यक्ति या जीन नियमन पढ़ना है, जीन बैटरी मॉडल क्या है, अनुवांशिक कोड के गुण क्या होते हैं और जीनोमिक्स क्या होती है, ये पढ़ना है बेटा। उसके बाद 12th नंबर में आ गया आपका इवोल्यूशन, विकास जीवन की उत्पत्ति है, ओपरिन हेल्डेन का सिद्धांत क्या होता है, ऑक्सीजन क्रांति है ना, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन क्या है, जीवन की उत्पत्तियों में विषाणुओं का महत्व क्या है, प्रकृति का प्रारंभिक ज्ञान क्या हो, किसने बताया, किस तरह का सिक्वेंस चला है वो बताना है, जैव विकास के प्रमाण क्या है, भौनिकी में प्रमाण क्या मिलेगी, अनुकूली विकरण क्या होता है, जैव विकास की व्याख्या किस तरह से होती है, विकास की क्रियाविधि और हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पी प्लस, ठीक है, पी का स्क्वायर 2PQ प्लस क्यू का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है जिससे हम एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोमिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, विकास का संक्षिप्त विवरण हमको जानना है, तो इतनी सारी डिटेल हमको बायोलॉजी के अंदर पढ़ना है, यही नहीं और भी टॉपिक है, देखते जाओ। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर आपके क्लास 12th में आता है, इसको आपको पढ़ना है बेटा, हमारा स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या होते हैं, रोगों के प्रकार क्या है, संक्रामक रोग क्या होता है, प्रमुख संक्रामक मानव रोग कौन कौन से होते हैं, असंगात्मक रोग क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन सी होती है, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीसीरा, चिकित्सा के अन्य विधियां, मादक औषधियों के अव्यवहारिक उपयोग, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि एडोलेसेंस के लिए बहुत खतरनाक होता है, उनको कैसे हटाया जा सकता है हमारे समाज से, इनके बारे में हमको पढ़ना है। खाद्य पदार्थ में वृद्धि की कार्य नीति एवं पशुपालन, ठीक है, पशुपालन हो गया, जंतुओं में रोग क्या होती है, अंतः प्रजनन, ब्रा प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, मछलियों में आर्थिक महत्व क्या होती है, पादप प्रजनन हो गया, रोग प्रतिरोधक के पादप प्रजनन हो गया, मक्का की उन्नत नस्ल, ठीक है, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन हो गई, एकल कोशिका प्रोटीन और अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे, ये बायोटेक के अंदर आता है, ऊतक संवर्धन क्या होता है, ठीक है, तो टिश्यू कल्चर बोलते हैं इसको, इसके बारे में हमको पढ़ना है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, मतलब ये बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम अपने ह्यूमन के बेनिफिट के लिए किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। औद्योगिक उत्पादों में तुम्हारा जो सूक्ष्म जीव, प्रतिजैविक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव का यूज होता है, पदार्थों में चक्रीकरण में सूक्ष्म जीव का योगदान, बायोगैस बनाने की विधि, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म जीव यूज होगा बेटा, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, गंगा एक्शन प्लान क्या है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव क्या है, इतने सब टॉपिक के बारे में हमको देखना है। टोटल कितने टॉपिक हो गए बेटा, 15 टॉपिक, देखो टॉपिक लिखा है 15 मगर है कितना चैप्टर, 38 चैप्टर, ठीक है, चलो तीन और टॉपिक बच गया है, ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी में आता है,
जैव तकनीकी सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। इसमें जैव तकनीकी परिचय, परिभाषा क्या है, जैव तकनीकी के सिद्धांत क्या होते हैं, पुनर्योजन डीएनए तकनीक क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, उसके उपकरण क्या है, साधन क्या है, पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या होती है, क्यों आवश्यक है और इसके क्या क्या प्रावधान है, जैव रिएक्टर बायो रिएक्टर क्या होती है, दो तरह के बायो रिएक्टर होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। जैव तकनीकी एवं उनके अनुप्रयोग, ठीक है, पारजीनी जीव, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, जैव तकनीकी के अनुप्रयोग, स्टेम कोशिकाएं, जैविक मुद्दे, जैव एकाधिकरण एवं जैव डकैती। डकैती मतलब ये बेटा बायो पायरेसी कहलाता है, ठीक है, जैव एकाधिकार, बायो पेटेंट, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। जीव एवं समष्टियां में पर्यावरण मतलब इकोलॉजी के बारे में हमको पढ़ना है, पारिस्थितिकी, उनकी शाखाएं, जीव एवं उनका पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय कारक, ठीक है, जैविक कारक, अजैविक कारक, जलोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद, सम्मोद्भिद एवं पारिस्थितिकी, पारस्परिक क्रिया, इतना हमको पढ़ना है। टोटल 18, ठीक है, 18 यहाँ पे जो है ब्रांचेस बोल सकते हो, मगर 18 ब्रांचेस में हमको 38 चैप्टर्स पढ़ना है बेटा, टोटल 38 चैप्टर्स को कवर करना है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को सीक्वेंस में हम कवर करेंगे। उसके बाद बेटा ये तो हो गया बायो की बात, अब हम बात करते हैं, अच्छा और बचा हुआ है क्या, 18 हो गया ना, चलिए अब ये देखो पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम की बात आ गई, तो इकोसिस्टम में उसके घटक क्या हैं, ठीक है, पोषक स्तर क्या होती है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, पिरामिड किस किस तरह के बनते हैं, संख्या का पिरामिड क्या होता है, जीव भार का पिरामिड हो गया, ऊर्जा भार का पिरामिड हो गया, मृत जीव पदार्थों का विघटन, ठीक है, पोषक पदार्थों का चक्रीकरण किस प्रकार से होता है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार क्या है, जैविक समुदाय एवं जैव जगत क्या होती है, समुदाय गतिकी अर्थात अनुक्रमण, मरुत्क्रमण, शैल क्रमण, जल क्रमण और जलारंभी अनुक्रमण के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर बायोडायवर्सिटी एंड संरक्षण में बेटा जैव विविधता, जातियों के विलुप्तीकरण कब है, भारत के प्रमुख संकटग्रस्त पौधे, जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, इसको कवर करना है। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य के बारे में हमको जानना है, याद करना है, ये टिपिकल है, इसमें याद करने वाले कंपोनेंट ज्यादा है बेटा। और लास्ट है इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण के मुद्दे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो सक्रिय फॉल आउट, गंदे अथवा डर्मी बम, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वैश्विक पर्यावरण में परिवर्तन एंड अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन ज्यादातर बनते ही हैं। टोटल हो गए 21 टॉपिक, चैप्टर आपको मिल जाएंगे 38, ठीक है, 38 चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है बेटा। अब देखो ये तो 100 नंबर की बात हो गई, अब 30 मार्क्स, 30 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, तो शिक्षा शास्त्र पढ़ना है। शिक्षा शास्त्र में आपको विषयों की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र, अवधारणा, इतिहास, विषयगत सौंदर्य, बोध एवं कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। विद्यार्थी अन्वेषण किस प्रकार से होती है, जैसे कि तत्परता का मूल्यांकन क्या है, अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करना, तो इसके लिए लेट्स लर्न करके एक चैनल है यूट्यूब में, जिससे आप वहां पे शिक्षा शास्त्र के बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं। लास्ट में मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आप इन चीजों में आपको प्रोवाइड करूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने टॉपिक आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2005 में शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य और प्राण उद्देश्य क्या होती है, विद्यालय विद्यालयीन शिक्षा में विषयगत व्यापक उद्देश्य क्या क्या होती है उनके बारे में है, पाठ्य चर्चा क्या है, पाठ्यक्रम क्या होता है, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। ये आता है आपके शिक्षा शास्त्र में आता है बेटा। उसके बाद आता है शैक्षिक अभिवृद्धि, तो ज्ञान और सीखना क्या है, उसका अर्थ, प्रकृति, महत्व, ज्ञान के विविध क्षेत्र, सांस्कृतिक ज्ञान एवं मूल्य क्या क्या होते हैं उसको पढ़ना है। शिक्षण एक पेशे के रूप में सकारात्मक अभिव्यक्ति, अभिरुचि एवं अभिक्षमता को देखना है, ठीक है। इसमें से लर्निंग अधिगम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों में व्यावसायिक विकास, सेवापूर्ण, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिगमकर्ताओं का पेशेवर समुदाय, नेतृत्व एवं समूह गति की, यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है। रचनावादी शिक्षण, ठीक है, हालांकि भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट है नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। शिक्षा का लैंगिक परिक्षेप, लिंग का जैविक, मतलब भाई सेक्स का क्या रिलेशन बनता है शिक्षा में, मतलब मेल और फीमेल को क्या इक्वालिटी मिलती है शिक्षा के लिए। तो भाई जो डेवलप्ड नहीं है उन कंट्रीज में आज भी थोड़ा सा पक्षपात होता है मेल और फीमेल के बीच में, बट भाई इंडिया वो कंट्री बन गई है जिसमें अब ऐसा भेदभाव नहीं होता, बेटा हो या बेटी उसमें प्रॉपर दोनों को सेम एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बेटा शैक्षिक मनोविज्ञान। तो भाई मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, उसके नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक विकास के बारे में डिटेल में यहाँ पे हमको पढ़ना है। शिक्षा के आकलन एवं मूल्यांकन, जो बीएड में आपने पढ़ा होगा ना बेटा, वही यहाँ पे आपको कवर करना है। आकलन मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, मूल्यांकन की प्रविधियों के प्रकार, आकलन का आधार क्या है, वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली के दोष क्या हैं, आकलन मूल्यांकन, परीक्षा परीक्षण में अंतर, व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन क्या होती है, उसके बारे में दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। उसके बाद में आ जाएगा आपका शैक्षिक मनोविज्ञान, उसी में सेकेंड टॉपिक आ जाएगा बेटा विषय आधारित अधिगम का आकलन। उसके बाद आ जाएगा शिक्षकों में उपयुक्त उपकरण निर्माण की योग्यता आकलन करना। उसके बाद परीक्षण क्या होता है, इसके प्रकार, वर्गीकरण, अच्छे परीक्षण के आवश्यक गुण, प्रशासन, विभिन्न विषयों में उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसके लिए एक अलग टीचर रखूं और आपको शिक्षण शास्त्र के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 130 मार्क्स का कवर। अब 5-5 नंबर में आप देख लो, हाँ इसको आप कर सकते हैं, इंग्लिश के कंपैरिजन में सामान्य हिंदी बहुत आसान होता है। इसमें भाई स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और कारक आता है, समास, रचना एवं प्रकार। ठीक है, ये शुरू के जो है चीजें बहुत अच्छी है, आसान है, इनको तो आप करिएगा ही। संधि, व्यंजन और विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट है। रस और अलंकार, दोहा, छंद, सोटा, ये छोड़ दोगे तो चल जाएगा, टफ होता है बेटा ये। व्याकरणी अशुद्धियां ये आपसे बन जाएगी। संबंध रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इजी है, ये जो है वो इजी लेवल में आता है, इसको आप कर सकते हैं। तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी, हालांकि थोड़ा सा टफ होता है बट तत्सम तद्भव आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों का वाक्यांश के रूप में शब्द। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत इजी है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य इंग्लिश जो है यहाँ पे आ गया है धोखे से, यहाँ पे इसको नहीं होना था। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये लो। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां आपके हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद बेटा सामान्य इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपको क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले तो यूनिट 1 में ग्रामर, ग्रामर में नंबर, जेंडर, आर्टिकल, ठीक है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, ये दोनों आसान है। यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस, तो ये थोड़ा सा टफ होता है बट याद कर सकते हो। सबसे इजी तो ये है बेटा प्रीपोजिशन। ठीक है, ए एन डी आर्टिकल्स और ये प्रीपोजिशन, ये बहुत ही आसान होते हैं। आर्टिकल्स में ए एन डी और प्रीपोजिशन, कि भाई किसी मेन कंपोनेंट के सामने कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कराते हैं। यदि आपसे हो पाए तो इसको कीजिएगा, ये टफ है बेटा। एक्सिव एंड पेसिव वाइज बहुत टफ होता है, इसको समझ पाना बहुत दिक्कत है। नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी टफ है, तो मैं तो कहूंगा कि ये कर लो आप। ठीक है, कर सकते हो तो ये कर लो, पेसिव एंड एक्टिव वाइज, या फिर नरेशन को छोड़ देना। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जो जीवन में हम कभी देखे नहीं होते, कभी बनता नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप कर सकते हैं, स्पेलिंग को छोड़ दो, रहने दो, यहाँ तो स्पेलिंग हमारे खुद के गड़बड़ होते रहते हैं, तो फिर तो स्पेलिंग ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, प्रोवर, इडियोम्स एंड प्रेसेस, ठीक है, तो ये भी बहुत टिपिकल होता है, इसको छोड़ दो। ये शुरू के इतने टॉपिक को आप कवर करना है इंग्लिश में, नीचे के टॉपिक बहुत टफ होता है। देखो जब बात सिर्फ 5 मार्क्स की हो रही है तो इतना मेहनत मत करो, जहां तुम्हारे 130 मार्क्स आ रहे हैं ना वहां मेहनत करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में बेटा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन है ना, एंटीवायरस का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा, कमर्शियल, ओपन सोर्स। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है यहां से आ सकता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग,
ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती है उनके बारे में आपको दिया जाएगा। गूगल, अलवेस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। मल्टीमीडिया के उपयोग से भी आता है, सीडी डीवीडी आजकल तो बंद हो गए, ज्यादातर क्वेश्चन इससे नहीं आते। हाँ, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंटेशन, सर्चिंग क्या होती है, वेबसाइट सफरिंग क्या है, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। उसके बाद बेटा सबसे डेंजर है सामान्य ज्ञान। अच्छा, इसमें सामान्य ज्ञान में एक तो तुमको इंडिया भी कवर करना है और अलग से छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है। अच्छा समझ लो, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार एवं सम्मान, परंपराएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्व, तो बचा क्या, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना है आपको। जितना छत्तीसगढ़ पढ़ना है उतना ही आपको भारत भी पढ़ना है। देखो, राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, ये दो सब्जेक्ट हो गया बेटा। भारतीय इतिहास तीन हो गए, ठीक है, भूगोल चार हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था पांच हो गई, तो बचा क्या, सामान्य विज्ञान भी डाल दिया यहाँ पे, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक। तो भाई इसको पढ़ते पढ़ते तो तुम पीएससी क्वालिफाई कर लोगे, तो क्या ये सही है इसको पढ़ना बेटा? पांच नंबर के लिए पढ़ना सही है क्या? नहीं है। इसीलिए आप पहले स्ट्रेटजी बनाओ कि किसको आपको देखना है। तो मुझे लगता है आपका जो मेन जो चैप्टर है बेटा, वो आपको इसको देना चाहिए, जो पहला पेज है उसको ले आते हैं, ये वाला पेज, ठीक है। इसमें 35, 35, 30 जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी, सबसे पहले आप ये कवर करो। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक अदर सब्जेक्ट को टच नहीं करना है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो 30 मार्क्स का प्रिपरेशन करना है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ना तो हिंदी टच करना है, ना इंग्लिश टच करना है, ना ये करना है। हाँ, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाता है तो हिंदी और कंप्यूटर आसान है, क्योंकि मैंने भी इन दो टॉपिक का प्रिपरेशन किया है, मुझे पता है अच्छे से कि ये दोनों को थोड़ा बहुत पढ़ने से क्वेश्चन बच जाता है। मगर जो तुम्हारा इंग्लिश है और सामान्य ज्ञान मतलब जीएस है, इसको पढ़ पाना आसान नहीं है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो चीजें मैंने आपको प्रोवाइड की है बेटा, ये डिटेल सिलेबस है अबाउट दी व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी का डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर आपको जो मिलेंगे उसमें इसी टॉपिक को पर्टिकुलर पकड़ के हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा जो लेक्चर का मोड जो रहेगा बेटा वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में हम टॉपिक को पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम का बच्चा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा दोनों पढ़ सकता है। ज्यादातर मेरे टर्म्स जो है इंग्लिश में रहेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ी बहुत मुझे परेशानी होती है, हिंदी के लिए मुझे रेडीमेड कंटेंट लाना पड़ सकता है इसीलिए। बट हाँ, जैसे मेरे सेट के बच्चे बहुत आसानी से मेरे नोट्स कंटेंट को पढ़ लेते हैं, भले ही वो इंग्लिश में लिखा क्यों ना हो, तो वैसा ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीजीटी बायोलॉजी के कंटेंट्स। बहुत जल्दी मैं 3 बुक पब्लिश करने को ट्राई कर रहा हूँ बेटा, उस काम में लगा हुआ हूँ। एक तो सीएसईआर नेट का मैं हैंडबुक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आपका सेट सीजी सेट के लिए, और उसके बाद में पीजीटी बायोलॉजी का एक कंटेंट और एक नीट का। पूरे बायोलॉजी में भिड़ा हुआ हूँ, जितना बेहतर हो सके उतना अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि बहुत जल्दी बन जाता है तो आपके एग्जाम के पहले मैं लॉन्च कर दूंगा, यदि नहीं हो पाता है तो मैं आपको बुक्स बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी को पढ़ने के लिए कौन सा बुक सुटेबल रहेगा उसको मैं आपको बताऊंगा, तो वो वीडियो को देखिएगा, मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए बेटा, तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। जो सिक्वेंस मैंने बताया है उसी स्ट्रेटजी से आपको टॉपिक को कवर करना है। कभी भी आपको लगता है कि सर मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर आप मुझे गाइडेंस दीजिए, तो आप हमारे यूट्यूब में मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और यदि और ज्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे विदाई दीजिए कि मैं जा सकूं और आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो बना सकूं बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।